हेलो एवरीवन, अगर आप रत्नागिरी से हो और आपको डांस सीखना है और आप अच्छे डांस क्लास की तलाश में हो तो यार फिर रहने दो। रहने दो मतलब डांस क्लास की तलाश रहने दो। मैं हूँ ना, मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ एडमिशन लेना है। तब तक ये ब्लॉग पूरे एंड तक देखना, ऐसा नहीं कहूँगा जब तक पूरी इन्फॉर्मेशन ना मिले तब तक देख लेना। सी यू। इधर नहीं जाने, रत्नागिरी डांसर इधर भी नहीं जाने का, आओ मेरे साथ। डॉक्टर वाला बात तो रख गए कि जंग जंग बोला ना, पाउस पे मत बोला, मान ना मान लो ये पाउस। दादा का पानी कैसे मिल रहा है? अनिकेत अपने पीठ पीछे ए लगा के घूम रहा है, वो भी उल्टा है। यो पार्टी का घंटा कहना मत समझ लो, मैं चालू भी नहीं सकूं। ही ही हाँ। Hey guys, welcome back to our Ruthvik Dhanush channel. Yes. I'm take over. We have take over our Dhanush channel. Hack channel. Dada, login delete nako karu. हॅलो, तुमचा ताब्या आमच्या राजू। नाव असते हमारी लड़की पास हो चुकी है टेंथ में, कितने मिले? 75 ना। और वहाँ पे कॉम्पिटिशन चालू है, रिटर्न वहाँ पर कोई तो डांस कर रहे हैं। तो अब तक आपको आइडिया आ चुका होगा कि हम लोग कितना मजा करते हैं। तो चलो अभी आपको हमारे डांस स्टूडियो से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। तो अभी मैं राम अली में हूँ, ये आप श्री राम का मंदिर देख सकते हैं। तो यहाँ से 20-25 कदम हमें आगे चलते जाना है। और राम अली में सीधा आने के बाद आपको राइट साइड में कोहिनूर सिटी सेंटर मॉल दिखेगा, उसके 3rd फ्लोर पर अपना क्लास है वो वहाँ पे। चलो ऊपर जाते हैं।
आपको याद रखना है कि आपको तीसरे फ्लोर पे आना है, सिर्फ तीसरे फ्लोर पे, ओके, ना सेकंड, ना सेकंड, सिर्फ तीसरे, ओके। और ये हम यहाँ पर आ चुके हैं थर्ड फ्लोर पे। तो गाइज ये है हमारा इवोल्यूशन डांस स्टूडियो 304 में, और ये है हमारे स्टूडियो के ओनर अनिकेत पास्टे। यहाँ पर तीन बैचेस है, एक छोटे बच्चों की जूनियर बैच, एक लेडीज बैच, और ये आपके सामने सीनियर बैच। और यहाँ पर हम लोग रिहर्सल्स के साथ साथ सेलिब्रेशंस और एंजॉय भी बहुत करते हैं। तो अभी आपको लोकेशन पता है और आपने स्टूडियो भी देख लिया है, तो अभी कुछ करते हैं इंफॉर्मेटिव बातें अपने स्टूडियो के बारे में। तो सबसे पहले कि इवोल्यूशन डांस स्टूडियो, ये इवोल्यूशन नाम हमने क्यों रखा इस स्टूडियो का, क्या बोलना चाहेगा इस पे? अभी सीन ऐसा है कि हम लोग तीनों बैचलर्स रहते थे पहले मुंबई में, 3-4 साल हो गए शायद लॉकडाउन के बाद इधर आए हम लोग, और कॉम्पिटिशन हम लोग देखने गए, उतरने का सोचा नहीं, देखने गए। तो ऐसा सीन था कि इधर 10% भी नहीं है डांसिंग में, कुछ ग्रोथ ही नहीं है इधर। तो उधर डांस देखते वक्त हम लोग की एक्सप्रेशन, अरे ये तो वही डांस अभी भी कर रहे हैं। मतलब हम लोग पहले यहाँ पे डांस कॉम्पिटिशन्स करते थे, शो करते थे, फिर हम लोग बैचलर्स रहने गए, यहाँ पे आने के बाद देखा कि सब लोग वही डांस कर रहे हैं जो पहले करते थे। तो ये चैन हमें ब्रेक करनी थी कहीं ना कहीं, तो हम लोग ने इसलिए सोचा कि इवोल्यूशन नाम रख दे, क्योंकि हमें टाइम के साथ इवॉल्व होते जाना चाहिए डांस में भी, क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल डांसर्स को देखते हैं, सोशल मीडिया पे देखते हैं, सब इवॉल्व हो रहा है, हिप हॉप इंडिया में बहुत तेजी से फैल रहा है, और आप कहीं ना कहीं कोने में वही डांस, एक ही डांस कर रहे हो 7-8 साल, एक ही सॉन्ग पे कर रहे हो, वो भी प्राइस लेके जा रहे हो जजेस को घंटा कर लिए, वो बात अलग है, जजेस को कर लिए वो बात अलग है, ओके। पर एज एन आर्टिस्ट हमें कुछ रिस्पेक्ट होना चाहिए खुद के लिए कि अपन क्या परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? रियलिटी को जागना चाहिए दोस्तों, ये मैं आप सबको बता रहा हूँ कि लोग अपने बारे में क्या सोचते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, ये हमें पता होना बहुत ज़रूरी है। अपन उसके अगेंस्ट एक्शन लेना या ना लेना वो बात अलग है, पर हमें लोग क्या समझते हैं, हम क्या है, वो आपको पता होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करता है। तो वही है कि ये इवोल्यूशन डांस स्टूडियो हम लोग ने बनाया, वो भी रत्नागिरी में, क्योंकि हमें ये चेन ब्रेक करनी थी। और हमारी 3 ब्रांचेस थी मुंबई में लॉकडाउन के पहले, वो लॉकडाउन के बाद सब आर्टिस्ट का सीन ख़त्म हो गया था, वो मैं समझ सकता हूँ अच्छे से, पर अभी सब स्टेबल हो रहा है। तो वहाँ पर 3 बैचेस थे, और फिर हम लोग लॉकडाउन के बाद यहाँ पर आ गए, और अभी हम लोग रत्नागिरी में स्टार्ट कर रहे हैं हिप हॉप टीच करना, और हम भी सीख रहे हैं और हम सिखा भी रहे हैं, ऐसा सीन। तो बात करते हैं डांस स्टाइल्स के बारे में जो हम यहाँ पे सिखाते हैं। तो हम लोग हिप हॉप में क्या क्या सीखेंगे वो जान लेते हैं। हिप हॉप में आता है ओल्ड स्कूल, हाउस, पॉपिंग, लॉकिंग, ब्रेकिंग और क्रम। तो आप यहाँ पे आते हो तो आपको बेसिक टू एडवांस नॉलेज दिया जाएगा विद हिस्ट्री के साथ, कि ये स्टाइल कहाँ से आई है, मतलब इसका हिस्ट्री क्या है, मतलब कौन से साल में क्रिएट हुआ, क्यों क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, और वो अब तक कैसे चलते आ रहे हैं, वो हम यहाँ पे आपको पूरा नॉलेज देंगे। ये उन लोग के लिए जो हिप हॉप सीखना चाहते हैं, और उन लोग के लिए जो हिप हॉप के नाम पे बॉलीवुड सिखा रहे हैं, राइट? तो ये पर्पस है। और कोई कोई लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ नॉर्मल डांस सीखना होता है, बॉलीवुड, टॉलीवुड, बॉली हॉप, जो ब्रेक डांस बोलते हैं लोग हाँ वही, मतलब जिनको डांस के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता है वो नॉर्मल डांस को ब्रेक डांस ही बोलते हैं। तो
बॉली हॉप भी सिखाया जाएगा और हम यहाँ पे हर एक स्टूडेंट पे पर्सनली ध्यान दे के सिखाते हैं। उनकी फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेचिंग, उनकी स्टाइलिंग, उनकी ग्रोथ, इस पे ध्यान दिया जाता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो हिप हॉप सीखने में या नॉर्मल डांस सीखने में भी, तो आप यहाँ पे बिंदास आ सकते हो। और कुछ और कुछ हाँ मतलब, तो तुम लोग किस बात का वेट कर रहे हो? ये है नंबर इधर। हाँ तो ये है नंबर, आप कॉल कर सकते हो इसे। मेरा फोन तो लगता नहीं है, तुम सबको पता होगा जो मेरे को कॉल करता है ना, मैं बहुत भाई मैं जंगल में रहता हूँ। तो वही है, किस बात की देरी है, आप आ सकते हो, आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर सकते हो, है ना। और हम लोग सिर्फ डांस नहीं करते, हम लोग बहुत मजा करते हैं, बहुत ज्यादा। जो आप लोग ने अभी देखा होगा कि हम लोग नाट्य गृह में कितना मजा कर रहे थे, सब लोग सीरियस बन के बैठे हुए होते हैं या ग्रीन रूम में सब लोग सीरियस होते हैं कि अभी डांस से हम लोग इतना चिल रहे थे ना, डांस के पहले भी डांस के बाद में भी, क्योंकि जिंदगी में खुश रहना इम्पोर्टेंट है मेरे दोस्तों, है कि नहीं। और ये मुझे एक ब्लॉग कम और एक पॉडकास्ट ज्यादा लग रहा है ना, एक पॉडकास्ट रत्नागिरी के हिप हॉप के सीन के बारे में, है कि नहीं, आपको क्या लगता है? बहुत बोल लिया हम लोग ने रत्नागिरी के हिप हॉप के सीन के बारे में। और किसी को, अगर तुम लोग को मतलब जो भी रत्नागिरी के डांसर्स है जो ये ब्लॉग देख रहे हैं, अगर तुम लोग को अगर कुछ बुरा लग रहा है या गुस्सा आ रहा है हम लोग पे, तो हमें प्लीज़ माफ़ मत करना, जो है वो है, देख खुद को पूछ, जो है वो है कि नहीं। सीनियर्स लोग हैं उनको हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि उन लोग ने रत्नागिरी में डांस का सीन क्रिएट किया है, तो थैंक्स टू देम यू गाइस, आप रत्नागिरी के डांस एकेडमी ओनर्स हो, तो सबसे पहले थैंक यू आपके लिए, क्योंकि हम लोग ने भी आपसे सीखा है ना, मतलब पॉजिटिविटी फैलाना बहुत जरूरी है। हाँ फर्स्ट थिंग कि मतलब डांस ना, ये टशन टशन में डांस होते रहेगा, पर एक दूसरे में पॉजिटिविटी फैलाना, एक दूसरे के ग्रोथ के बारे में बात करना, है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि HHI होता है, POD S होता है, पर हम लोग कुछ लोग इधर ही सर्कल में डांस करते रहेंगे, तो वो कितना फाइन है उसके आर्ट के लिए, मतलब वो खुद ही सोचे कि कितना फाइन कर रहा हूँ मैं खुद के लिए, खुद के आर्ट के लिए, है ना। तो वही है कि सब लोग ने मिलके डांस करना चाहिए साथ में, सब लोग इवॉल्व होने चाहिए साथ में, कि बैटल वीटल्स होने चाहिए रत्नागिरी में। और तो मैटर क्या करता है कि मैं मेरा कितना ग्रोथ कर रहा है, ये इसका कितना ग्रोथ कर रहा है, वो उसका कितना ग्रोथ कर रहा है, अपन साथ में मिलके अपने सिटी का नाम कितना बड़ा करते हैं, अपन साथ में कितनी ग्रोथ करते हैं, वो मैटर करता है। और बहुत लोग हैं जिन्होंने एक टाइम के बाद जॉब के वजह से या घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वजह से, अभी ये पार्ट अपन साइड में रहने देते हैं, अपन ये दूसरा बात बोल रहे हैं कि बहुत लोग हैं जिन्होंने डांस छोड़ दिया है अपने घर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज के वजह से, तो उन लोग को सैल्यूट है। देखो तुम लोग जो कर रहे हो ना, वही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके। डांस होते रहेगा या वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तुम लोग जो कर रहे हो अभी, तुम लोग डांस छोड़ के अपना फैमिली संभाल रहे हो या जो भी कर रहे हो तुम अपना फैमिली को, मतलब अपने फैमिली को सिक्योर करने के लिए तुम लोग जो भी कर रहे हो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, एंड सल्यूट टू यू गाइस, ओके। तो वही है, हमें रत्नागिरी का सीन थोड़ा ऊपर लेके जाना है साथ में सब लोग को, तो हर एक आर्टिस्ट का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़रूरी है, हर एक आर्टिस्ट का। और तो चलो हिप हॉप करते हैं साथ में, है ना, ग्रू करते हैं थोड़ा सा, हम लोग डांस वीडियोज़ भी बनाते हैं, जो कि बहुत साल से या बहुत महीनों से, बहुत दिनों से पेंडिंग थे, वो हम अभी स्टार्ट करने लगेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अपनी गाड़ी थोड़ी सी ट्रैक पे आने लगी है, मतलब हर कोई अपने अपने फील्ड में था, इसका स्टूडियो चालू हो गया, ये इसमें बिजी, मैं मेरे एजुकेशन में बिजी, सौरभ उसके एजुकेशन में बिजी, पर हम लोग अभी टाइम निकाल के सब लोग कर रहे हैं। और तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस, स्विंग। तो ये व्लॉग अपन इधर तक ही रखते हैं, सो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग गाइस, पीस आउट। इधर के डांसर खाली छोरिया पटाते, डांस कुछ नहीं करते, सब लोग खाली छोरी पटाता, सब टाइम पास कर रहा है।